अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट ऑन टीवी। क्या योगी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस क्या सिर्फ नारा है या फिर हकीकत? या वह सवाल है जो अब दाए बगाए सामने आ जा रहा है। आईपीएस और नोएडा के तत्कालीन एसएसपी वैभव किशन द्वारा डीजीपी को भेजे गए पत्र के बाद तो यह सवाल और गहरा जाता है। इस पत्र में सीधे उस वक्त आरोप लगाए गए थे कि उच्च स्तर पर न सिर्फ थाने बल्कि जिले बेचे जा रहे हैं। उन्होंने बकायदा जिलों के लिए ली और दी जाने वाली धनराशि का भी पत्र में उल्लेख किया था। इस पत्र को बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी थी। एसआईटी ने जो रिपोर्ट योगी सरकार को आज सौंपी है वह बेहद चौंकाने वाली है। एसआईटी के मुताबिक जांच में देरी हो इसके लिए तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह ने भरपूर कोशिश की। संबंधित पेन ड्राइव देने में ही उन्होंने 19 दिन लगा दिए। बेहद सेंसिटिव व सूबे की नौकरशाही व संपूर्ण सिस्टम को आईना दिखाने वाले इस घटनाक्रम में दिखाई गई लापरवाही व किया गया विलंब प्रथम दृष्टया यह आईपीएस वैभव किशन के आरोपी की सच्चाई को बल दे रहा है। नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे वैभव किशन प्रशासनिक व सूबे की नौकरशाही में जितनी तेजी से ऊपर आए उतनी ही तेजी से नीचे भी चले गए। 5 आईपीएस के भ्रष्टाचार उजागर करते हुए उन्होंने जो गोपनीय रिपोर्ट शासन को भेजी थी उसने एक बार की सूबे की पुलिस लॉबी को हिला दिया था। इस गोपनीय पत्र में वह सब था जो यह बताने के लिए काफी था कि सूबे में इन दिनों पैसा जमकर अपना रंग दिखा रहा है। बाद में यह पत्र सार्वजनिक हुआ तो और बवाल हो गया। 5 अफसरों डॉक्टर अजय पाल शर्मा, हिमांशु कुमार, सुधीर कुमार, गणेश शाह, राजीव नारायण मिश्रा पर कोई कार्रवाई होती इससे पहले ही वैभव कृष्ण का एक अश्लील वीडियो वायरल हो गया। वैभव कृष्ण को निलंबित कर दिया गया। फिर एक लंबे समय बाद अन्य पुलिस कप्तानों के साथ ही इन 5 का भी तबादला कर दिया गया। एकाएक शायद इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करने पर इस बात को बल मिल जाता जो वैभव ने अपने पत्र में कही थी। वैभव ने एक पेन ड्राइव बतौर साक्ष्य भी दी थी। अब योगी सरकार को दी गई जांच रिपोर्ट में शक की सुई सूबे के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह की ओर घूम गई है। एसआईटी के मुताबिक जांच में देरी हो इसके लिए तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने साफ लिखा कि जांच में देरी इसलिए भी हुई क्योंकि तत्कालीन डीजीपी ने पेन ड्राइव देने में उन्हें 19 दिन लगा दिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 10 व 13 जनवरी 2020 को तत्कालीन डीजीपी को पत्र लिखे थे। इसके बाद पेन ड्राइव भी दी गई थी, वह भी उनको ओरिजिनल नहीं मिली है। एसआईटी को पेन ड्राइव की कॉपी दी गई। जांच रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए बड़े अधिकारियों को फायदा पहुंचाया गया है। यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि ट्रांसफर की डील के लिए लखनऊ के एक मॉल में पैसों की डील हुई और फिर बाद में कई लोगों को उनकी मनपसंद जगह तैनाती मिली। वर्तमान में ओपी सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी जगह एचसी अवस्थी यूपी के नए डीजीपी बन गए हैं। एसआईटी का गठन तब विजिलेंस के निदेशक रहे एचसी अवस्थी के नेतृत्व में ही किया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप जिन 5 अधिकारियों पर लगे थे उनमें से 2 अजय पाल शर्मा व हिमांशु कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। अन्य अधिकारियों के खिलाफ अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस खबर में आज इतना ही। कोरोना काल में खुद को सुरक्षित रखें, घर रहें, सेफ रहें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।